भक्तों, आज हम आपको चारों धाम की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार सभी प्रेम से बोलिए, श्री बद्री नारायण भगवान की जय, श्री केदारेश्वर धाम की जय, बोलो गंगोत्री यमुनोत्री धाम की जय। भक्तों, सनातन धर्म में चारों धामों के दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। जो चारों धाम की यात्रा करके बद्रीनाथ केदारनाथ भगवान के दर्शन करता है, उनके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, शिव जी पार्वती से कहते हैं, जो मनुष्य गंगा जल से स्नान करेगा, दर्शन आचमन करेगा, वो समस्त पापों का नाश करके बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। तो आइए प्रेम से सुनते हैं चारों धाम की गाथा। श्री बद्री नारायण जी की गाथा, श्री बद्री नारायण जी की गाथा, भक्तों बड़ी महान है, करते हैं कल्याण सभी का, बद्रीनाथ भगवान है, बद्रीनाथ भगवान है। श्री बद्री नारायण जी की गाथा, भक्तों बड़ी महान है, करते हैं कल्याण सभी का, बद्रीनाथ भगवान है, बद्रीनाथ भगवान है। श्री बद्री नारायण जी की गाथा। भक्तों, उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा 12 माह नहीं चल सकती। यात्रा मई से प्रारंभ होकर नवंबर के मध्य तक चलती है। यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ के पट आम तौर पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह में खुलते हैं। अतः चारों धाम की यात्रा का सबसे अच्छा समय यही है। ऐसा कहा जाता है कि गंगोत्री से गौमुख के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही जाना चाहिए। अतः गंगोत्री धाम के ऊपरी क्षेत्रों में जाने के लिए वन विभाग से परमिट लेना जरूरी है। आइए बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। सबसे प्यारा सबसे सुंदर बद्रीनाथ का धाम है, जन्म जन्म के पाप मिटे जो जपे प्रभु का नाम है। शिव जी बोले पार्वती से सच्चा ये दरबार है, बद्रीनाथ के दर्शन से मुक्ति पाता संसार है, धर्म सनातन के देवों के, हाँ धर्म सनातन के देवों की सच्ची ये पहचान है, करते हैं कल्याण सभी का, बद्रीनाथ भगवान है, बद्रीनाथ भगवान है। श्री बद्री नारायण जी की गाथा, भक्तों बड़ी महान है, करते हैं कल्याण सभी का, बद्रीनाथ भगवान है, बद्रीनाथ भगवान है। श्री बद्री नारायण जी की गाथा। भक्तों, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि जिसने बरसों तक भगवान की आराधना की हो, उसी को श्री बद्रीनाथ भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे व्यक्ति को बिना जप तप किए मोक्ष पद प्राप्त हो जाता है। जो कोई सच्चे मन से बद्री बद्री कहता है, उसके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति महापातकी हो, यहाँ आकर पाप क्षण भर में छूट जाते हैं। जो भगवान के पांच द्रव्य में स्नान करता है, वह सदा बैकुंठ में वास करता है। जो एक मुट्ठी नैवेद्य अर्पण करता है, वह भी एक राज्य का
अधिकारी होता है। दान जो करे प्रभु का भाग्यवान वो होता है। बद्रीनाथ की परिक्रमा से पृथ्वी दान फल पाता है। तप्त कुंड में स्नान कर भगवान के दर्शन करता है। बद्रीनाथ की स्तुति से फल वो यज्ञ कपाता है। करे जो भक्ति नारायण की, हाँ करे जो भक्ति नारायण की, वो सच्चा इंसान है। करते हैं कल्याण सभी का, बद्रीनाथ भगवान है, बद्रीनाथ भगवान है। श्री बद्री नारायण जी की गाथा भक्तों बड़ी महान है। करते हैं कल्याण सभी का, बद्रीनाथ भगवान है, बद्रीनाथ भगवान है। श्री बद्री नारायण जी की गाथा। भक्तों, अब हम आपको केदारनाथ जी की कथा सुनाते हैं। बड़े बड़े धर्म ज्ञानी हमें बताते हैं कि जो मनुष्य केदार तीर्थ करता है उसके सभी पाप छूट जाते हैं। यहाँ वो पावन श्री केदारनाथ धाम है। जो मनुष्य संन्यास लेकर केदार में ही निवास करता है वह शिव समान हो जाता है। यहाँ यात्रा करते समय अगर अनायास किसी की मृत्यु हो जाए तो वो मनुष्य शिव लोक को प्राप्त करता है। केदार शिव शंकर जी का महातीर्थ, मनुष्य यहाँ स्नान करने से शिव जी का दर्शन करता है और वो गणों में शामिल हो जाता है। जिसने केदारेश्वर का दर्शन नहीं किया तो उसका जन्म निरर्थक है। केदारनाथ जी के दर्शन आओ भक्तों कर लो जी, शिव शंकर के आशीर्वाद से खाली झोली भर लो जी। केदारनाथ जी के दर्शन भक्तों बड़ा महान है, शिव शंकर माँ पार्वती का पावन ये स्थान है। शिव शंभु भोले शंकर जी, हाँ शिव शंभु भोले शंकर जी, सबका कर कल्याण है। पाप मुक्त कर देते सबको, शिव शंकर भगवान है, शिव शंकर भगवान है। श्री बद्री नारायण जी की गाथा भक्तों बड़ी महान है। करते हैं कल्याण सभी का, बद्रीनाथ भगवान है, बद्रीनाथ भगवान है। श्री बद्री नारायण जी की गाथा। भक्तों, एक बार युधिष्ठर और पांडव गणों ने गौत्र हत्या तथा गुरु हत्या के पाप से छुटकारा पाने के लिए श्री व्यास जी से पूछा। तब व्यास जी ने उन्हें बताया, बिना केदारखंड जाए ये पाप नहीं छूट सकते। तुम लोग वहां जाकर निवास करो, तभी ये पाप नष्ट होंगे तथा वहां मृत्यु होने से मनुष्य शिव रूप में हो जाता है। यही सच्चा महापथ है। केदार मंडल में अनेकों तीर्थ हैं। यहाँ सैकड़ों शिवलिंग है तथा पुण्य पीठ है। हिमालय पर गढ़वाल क्षेत्र में 5 केदार हैं। पहला केदारनाथ, दूसरा मध्य महेश्वर तथा तीसरा तुंगनाथ और चौथा रुद्रनाथ, 5वां कल्पेश्वर है। जब केदारनाथ जी की महिमा व्यास ने बतलाई है,
पांचों पांडव ने जाकर भक्ति वहां से पाई है। श्री केदार क्षेत्र तो भक्तों सब क्षेत्रों में उत्तम है। शिव जी का ये धाम तो भक्तों सबसे ही सर्वोत्तम है। केदारनाथ शिव जी का प्यारा, हाँ केदारनाथ शिव जी का भक्तों प्यारा ये स्थान है। करते हैं कल्याण सभी का, शिव शंकर भगवान है, शिव शंकर भगवान है। श्री बद्री नारायण जी की गाथा भक्तों बड़ी महान है। करते हैं कल्याण सभी का, बद्रीनाथ भगवान है, बद्रीनाथ भगवान है। श्री बद्री नारायण जी की गाथा। केदारनाथ से 10 दंड पर हंस कुंड है, जहां ब्रह्मा जी ने हंस रूप में रेतस्पान किया था। जो मनुष्य केदारनाथ के दर्शन कर रेतस कुंड का जल पाता है, उसके हृदय में श्री शंकर जी स्थित हो आते हैं। चाहे वो किसी भी स्थान में किसी भी समय मरे, किंतु वो शिवलोक में निवास करता है। यहां श्राद्ध तथा तर्पण करने से पितर लोग परम पद को पा जाते हैं। रेतस कुंड का जल पीने से पाप सभी मिट जाते हैं। श्राद्ध करे यहाँ पितरों का, वो शिवलोकी हो जाते हैं। पापी क्रोधी कुकर्मियों की मुक्ति यहाँ हो जाती है। केदारनाथ जी के द्वारे पे सबकी बिगड़ी बनती है। केदारनाथ जी की भक्तों, हाँ केदारनाथ जी की भक्तों बड़ी निराली शान है। करते हैं कल्याण सभी का, शिव शंकर भगवान है, शिव शंकर भगवान है। श्री बद्री नारायण जी की गाथा भक्तों बड़ी महान है। करते हैं कल्याण सभी का, बद्रीनाथ भगवान है, बद्रीनाथ भगवान है। श्री बद्री नारायण जी की गाथा। भक्तों, चारों धाम की यात्रा में ये गंगोत्री और यमुनोत्री तीर्थ का अनोखा स्थान है। आइए हम आपको श्री गंगोत्री जी के दर्शन कराते हैं। गंगा का उद्गम स्थान गौमुख है और गंगोत्री मंदिर से लगभग 28 किलोमीटर दूर गौमुख है। यहीं पर राजा भागीरथ जी ने गंगा को भगवान शिव शंकर से कठिन तपस्या द्वारा प्राप्त किया था, इसीलिए गंगा जी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध हुई। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, जो गंगा जल से स्नान दर्शन आचमन करेगा, वो समस्त पापों को नष्ट करके वैकुंठ को प्राप्त करेगा। गंगोत्री की महिमा न्यारी, शिव का ये वरदान है। स्नान करे जो इस जल से, हो जाए कल्याण है। मोक्षदायिनी पाप नाशिनी गंगा जी को कहते हैं। ऋषि मुनि और देव तसारे इसका आचमन करते हैं। भागीरथी के पुरखे तारे, हाँ भागीरथी के पुरखे तारे तोड़े श्राप की आन है। गंगोत्री मैया की देखो, महिमा बड़ी महान है, महिमा बड़ी महान है। श्री बद्री नारायण जी की गाथा भक्तों बड़ी महान है। करते हैं कल्याण सभी का, बद्रीनाथ भगवान है, बद्रीनाथ भगवान है। श्री बद्री नारायण जी की गाथा।
दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार गंगा जल को भारत के सभी नदियों में पावन और श्रेष्ठ माना गया है। इसका कारण है उसका पावन जल। महीनों रखने के बाद भी इसमें कोई दोष नहीं आएगा, ये जीव रहित रहेगा। इस जल के सेवन से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। ये जल पवित्र होने के कारण शिव जी ने अपने शीश के ऊपर धारण किए हुए हैं। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक माँ गंगोत्री के दर्शन करेगा, उसके जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो भी करे गंगा के दर्शन पाप मुक्त हो जाता है। गंगा जल के स्नान से भक्तों निर्मल तन हो जाता है। दीप जला के जो गंगा में मन से इसे बहाएगा, जो भी संकट होगा उस पर नष्ट तुरंत हो जाएगा। जीवन और अंत समय में, जीवन और अंत समय में मैया आए काम है। गंगोत्री मैया की देखो महिमा बड़ी महान है, महिमा बड़ी महान है। श्री बद्री नारायण जी की गाथा भक्तों बड़ी महान है। करते हैं कल्याण सभी का बद्रीनाथ भगवान है, बद्रीनाथ भगवान है। श्री बद्री नारायण की ये गाथा। भक्तों, अब हम आपको श्री यमुनोत्री जी की कथा सुनाते हैं। चारों धाम में माँ यमुनोत्री जी के रूप का ये पावन दर्शन सिद्ध फल प्रदान करता है। स्कंद जी बोले, नारद, यमुना जी के सिर्फ दर्शन मात्र से ही मनुष्य यमलोक दर्शन नहीं करता, बल्कि उसके संपूर्ण पाप जल में जलकर भस्म हो जाते हैं। अग्निदेव ने ये कठिन तपस्या की, जिसके प्रभाव से अग्निदेव ने दिक्पाल का पद पाया और वही तप्त कुंड नामक सरोवर हो गया, जिसको गोरख दिनिया भी कहा जाता है। जो यमुना स्नान करता है व दर्शन करता है, उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यमुनोत्री के कर लो दर्शन जन्म सफल हो जाएगा। स्नान करे जो इस जल में पाप से मुक्ति पाएगा। तप्त कुंड नामक है सरोवर गोरख डिबिया कहलाए। पतित पावनी यमुना मैया पाप से मुक्ति दिलवाए। श्री यमुनोत्री मैया देती, हाँ श्री यमुनोत्री मैया देती मुक्ति का वरदान है। चारों धाम का सिद्ध क्षेत्र ये गंगा का स्थान है, गंगा का स्थान है। श्री बद्री नारायण जी की गाथा भक्तों बड़ी महान है। करते हैं कल्याण सभी का बद्रीनाथ भगवान है, बद्रीनाथ भगवान है। श्री बद्री नारायण जी की गाथा। भक्तों, यमुनोत्री के निकट यमुना अपनी बाल अवस्था में होती है। यहाँ जल स्वच्छ, साफ व शीतल आचमन के योग्य है। यमुनोत्री के चारों ओर अनुपम सौंदर्य छवि यात्रा करने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यमुना के निकट से ही यमुना की धारा उत्तर वाहिनी हो जाती है। यमुनोत्री मंदिर के कपाट वैशाख शुक्ल तृतीय को खुलते हैं, कार्तिक में यम द्वितीय को बंद हो जाते हैं।
और गंगे, जय माँ गंगे तेरी सदा जयकार हो। तेरी कृपा से माँ गंगे भक्तों का उद्धार हो। तेरी शरण जो आए माँ उसका बेड़ा पार हो। सुहागन का माँ सुहाग अमर हो, सबको ही उपहार दो। यमुनोत्री मैया को पूजे, हाँ यमुनोत्री मैया को पूजे, सारा सकल जहाँ है। चारों धाम की यात्रा का फल पाए हर इंसान है, पाए हर इंसान है। श्री बद्री नारायण जी की गाथा भक्तों बड़ी महान है, करते हैं कल्याण सभी का बद्रीनाथ भगवान है, बद्रीनाथ भगवान है। श्री बद्री नारायण जी की गाथा।
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा
सबके स्वामी।